Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 2, the regional kingdoms. So let's start the remaining paragraph. One such instance was that of Rashtrakutas in the Deccan, who were the subordinates of the Chalukyas. The Rashtrakutas' chief Dantidurga overthrew the Chalukyas over lordship and became independent. The king had to maintain law and order in the state and look after the welfare of the people. He had to lead the army in time of war. The king collected revenue and taxes from the people to fulfill his multivarious responsibilities. The king gave land to the Brahmanas, government officials, local chief and tribal leaders. Instead of cash salaries, the king collected the land revenue and also asked for contingent of troops during war. एक घटना जो होती है जहाँ पर राष्ट्रकूट जो है डेक्कन में होते हैं और जो कि सबॉर्डिनेट्स होते हैं चालुक्यस के. राष्ट्रकूट जो है चीफ होते हैं दंतीदुर्ग के, तो ओवर थ्रू उनको क्या चालुक्यस ओवरलोड हो जाता है और वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, यानी कि वो खुद पर ही डिपेंड रहते हैं. अब जो राजा है वो कानून उनको करना पड़ता है, कानून मेंटेन करना पड़ता है और स्टेट राज्य को ऑर्डर देना पड़ता है. तो वो क्या है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और आर्मी को लीड करते हैं लड़ाई के समय में. और राजा जो है वो कलेक्ट करता है जितने भी टैक्सेस होते हैं या जो कर होते हैं लोगों से, ताकि वो लोगों की जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा कर सके. अब राजा जो है उनको ज़मीन देता है ब्राह्मणास को, जो ब्राह्मण होते हैं या सरकार होती है ऑफिशियली लोकल चीफ और जो भील जाति के जो लीडर्स होते हैं उनको वो कैश सैलरी देते हैं और कुछ ज़मीन देते हैं. तो राजा जो है वो कलेक्ट करता है कुछ ज़मीन पर कर और वो पूछता है कॉन्टिजेंस ट्रुप्स के लिए, यानी कि जो उनके ग्रुप्स होते हैं लड़ाई के समय में उनको पूछता है. Brahmanas did not have to pay taxes for their lands. The land was cultivated by the laborers. They wrote accounts about the kings and performed religious ceremonies. They also brought more land under cultivation. ब्राह्मण जो है वो ज़मीन पर कोई भी कर नहीं भरते हैं और उनकी जो भूमि है वो खेती के लायक होती है, तो वो क्या है लेबर के द्वारा खेती करवाते हैं मज़दूरों के द्वारा, और उनके अकाउंट्स राजा के द्वारा ही लिखे जाते हैं. तो वहाँ पर क्या धार्मिक जो सेरेमनीज़ है वो आयोजित की जाती हैं और उन्हें और ज़मीन दी जाती है खेती के अंडर में. द पीजेंट हर्डर्स आर्टिशन हैड टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग. दे वर क्लेम्ड एज रेंट. द ट्रेडर्स ऑल्सो पे टैक्सेस. विलेज वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर बाय द विलेज हेडमैन. अब यहाँ पर जो किसान होते हैं, जो चरवाहे होते हैं या आर्टिशन होते हैं, तो उनको क्या है कुछ पार्ट दिया जाता है भूमि का, जिसपे वो राजा के लिए कुछ पैदावारी करते हैं खेती की, और वो क्लेम करते हैं अपने एज अ रेंट के लिए क्लेम करते हैं, मतलब उन्हें रेंट पर दिया जाता है. तो जो व्यापार होते हैं उनको जो व्यापारी होते हैं उन्हें पेड करना पड़ता है टैक्स. और गांव जो है एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है प्रशासन की, जिसे देख रेख में रखा जाता है. विलेज के जो हेड्समैन होते हैं उनके द्वारा देख रेख की जाती है उनकी. अब जो गांव होता है उनके वेरियस अलग अलग कमेटीज़ होती हैं जिसको जिसकी देखभाल की जाती है, ठीक है. तो वो जो वेरियस कमेटी होती है वो देखभाल करती है लोकल स्कूल्स की, वाटर टैंक्स की, टेम्पल्स की एंड रोड्स की. द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड ऑन द सेम पैटर्न टिल इंडिपेंडेंस. अब जो गांव का प्रशासन है वो इसी तरीके से लगातार सेम पैटर्न पर जब तक आज़ादी या स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक वो इसी तरीके से काम करता रहता है. नेक्स्ट है गजनवीद. इन द 10th सेंचुरी तुर्किश कंक्वायर कैप्चर्ड गजनी नाउ इन अफगानिस्तान एंड फाउंडेड द गजनवी डायनेस्टी. सुल्तान मोहम्मद वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. द पोलिटिकल डिसयूनिटी ऑफ इंडिया इनकरेज मोहम्मद टू इन्वेडेड इंडिया. मोहम्मद रेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 AD एंड AD 1027.
दसवीं शताब्दी में जो तुर्किश ने राज्य कैप्चर किया था, अपने कब्ज़े में किया था गजनी ने, और अब वो अफ़गानिस्तान है और वही उसके संस्थापक हैं गजनी डायनेस्टी, गजनवी डायनेस्टी। सुल्तान मोहम्मद जो था वो काफ़ी फेमस सुल्तान था, यानी कि वहाँ का शासक था इस डायनेस्टी का, और पॉलिटिकल जो तालमेल नहीं बैठता था भारत में, इसे इनक्रेज किया गया मोहम्मद के द्वारा भारत में, और मोहम्मद ने कम से कम 17 बार जो है यहाँ पर रेड की थी। 1000 AD यानी 1000 AD से लेकर 1027 के बीच में ही प्लांडर्ड मैनी सिटीज़ प्लेसेस एंड हिज मेन टारगेट वर वेल्थी टेम्पल्स। टू ऑफ हिज इन फेमस अटैक्स वर ऑन कन्नौज इन 1018 AD and the looting of the famous Somnath temple of Gujarat in AD 1025। यानी कि उन्होंने कई राज्यों पर अपना कब्जा किया था, कई शहरों पर, राजमहल पर, और उनका जो मेन टारगेट था वो मंदिर था, अच्छे खासे मंदिरों को लूटना था। और दो जो फेमस अटैक उन्होंने किए थे कन्नौज में 1018 AD में, और दूसरा जो लूट किया था सोमनाथ टेम्पल को उन्होंने लूटा था गुजरात में है जो 1025 में। In the campaign against the Kannauj, he plundered Mathura and Kannauj. He also looted the fabulously rich temple at Somnath without encountering any serious resistance. He could loot and plunder so easily because no strong state existed in North India at that time. Mohammed used in this massive wealth that he carried from India to build a magnificent capital city at Gajni. Al Boni, a great scholar who had accompanied Muhammad Gajni in his attacks on India, has written a book in this Arabic language called Kitabul Hid, which gives a lot of interesting information about Indian society and culture. बाद में इस कैंपेन के अगेंस्ट जो है कन्नौज में, तो उन्होंने क्या है मथुरा को और कन्नौज को लूटा, और बहुत ही अच्छा खासा टेम्पल जो सोमनाथ का था उसको उसने लूट कर, काफ़ी रिच टेम्पल था जिसमें, उनको लूट लिया। उसके बाद जो लूट, और उन्होंने बहुत इजीली वो लूट पाए उसको, क्योंकि वहाँ पर कोई भी राज्य में स्टेट मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं था जो कि उन्हें रोक पाए नॉर्थ इंडिया के टाइम में। उस समय में मोहम्मद ने काफ़ी अच्छा खासा जो है इंडिया से पैसा बनाया, लूट के तौर पर लूट लिया उन्होंने, और अपनी अच्छी खासी एक मैग्निफिशेंट जो है कैपिटल सिटी बनाई गजनी। और अल बोनी अ ग्रेट जो स्कॉलर थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने मोहम्मद गजनी के बारे में और उसके अटैक्स के बारे में जो उन्होंने इंडिया में किए थे, एक बुक लिखी है अरबिक लैंग्वेज में, जिसे किताबुल हिंद कहा गया है, जिसमें उन्होंने दिया है बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है इंडियन सोसाइटी के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में, यानी समाज और संस्कृति के बारे में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन उस किताब में बताई गई है।